अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे खैरियत से? बड़े 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 हाउ आर यू? खैरियत से हो? हर गेम हार के कैसा लगता है तुम लोगों का? तुक्के मजीद कहते हैं शूज ऐसे उतार के पता नहीं कितनी मेहनत करके आए। अभी करेंगे सर ना, अभी कमबैक करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। क्या कर रहे हो तुम? हैं शॉन माइकल, ये इधर आओ, इधर आओ शॉन। हाँ भाई, कहाँ है चारों? आओ बोरी बारे बाबू, नेक्स्ट गेम है 2 पॉइंट्स का, जल्दी से शॉर्ट। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, चलो चारों बाहर। ये सबसे पहले आप ही आएंगी, चलो चलो चलो। ये दूसरे नंबर पे 3 4 आओ भाई। यूट्यूबर्स रेडी मास, इस गेम के तुम बेताज बादशाह हो, 2 पॉइंट्स लूज ना करना बस। ये 7 स्कोर तुम कर ही लेते हो। रेडी? चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा रेडी। अच्छा एक मिनट, चलो ठीक है, चलो भाई रेडी हो गए। रेडी? अच्छा 1 मिनट, क्या कर रहे हो तुम? धोती बांधने को थोड़ी गया यार, बोरी पहननी है। तुम हट जाओ, तुम क्या कर रही हो? तो तुम खेल लो बिना गए। रेडी रेडी गो। चलो फंस जाती है इसके। क्या बात है, क्या बात है। टाइम अप, ये काउंट नहीं होगा, बॉल गिर गई है। 8 स्कोर कर दिया माज ने। अच्छा मैं हैरान इस बात पे था, 6 या 7 सेकंड रह गए, रबी का ऐसे बोल रही है मास कम ऑन, बहुत टाइम है, बहुत। हाँ मास कर रहा हूँ, ठीक है नहीं वो तुमने उठा तो ली थी। माइक में बोलो 8 स्कोर हो गया तुम्हारा, यहाँ तक पहुंच गया 8 स्कोर और यहाँ तक पहुंचे, पीछे करो कहाँ के लिए। हाँ भाई नेक्स्ट कौन था, जल्दी से आ जाओ भाई। हाँ रेडी, रिकॉर्ड तोड़ना है, 9 करने 9 9, अभी तक इनका हाईएस्ट स्कोर है 4। रेडी रेडी, चलो भाई रेडी हो गए हो? नहीं नहीं, पहले हाथ वापस, जब बोलूंगा उसके बाद तुमने आगना। रेडी रेडी। क्या बात है, मेरी टीम आधी कहाँ चली गई है? आ रही है, कहीं गई है, चाय पीने गई है, आप नहीं गए? क्या बात है, अप्पी के लिए तालियां हो जाए, अप्पी के लिए तालियां हो जाए, पूरी टीम के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या बात है जी, क्या बात है। शुरुआत करते हैं जी, नेक्स्ट गेम कौन था? नहीं ये गेम चल रहा था और उसमें थे उमर साहब, आए थे। रेडी उमर? यार तुमने बोरी उतार दी रास्ते में, इन्होंने बोला था। माइक में बोलो, माइक में क्या कह रहे हो तुम? दानिश भाई असल में आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब मैं बोलता था डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जरूरी है। बढ़िया, रेडी रेडी गो उमर, चला 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 चला, ये जल्दी उमर 8 स्कोर करना है। चलो चलो शाबाश, चौबीस सेकंड रह गए तुम्हारे पास। कोई नहीं, बड़ी जल्दी से चलो 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 चलो, टाइम बाकी अभी। टाइम अप, और स्कोर किया है 5 उमर ने, बारी किसकी है? इंस्टाग्रामर्स आओ भाई, कौन? क्या अभी आ रही थी क्या? अबे तुम कुछ गेम नहीं खेलती, कोई गेम नहीं खेलती तुम? माइक में सर। कौन सा वाला? म्यूजिकल चेयर। बस एज यूजुअल हारना है। कैसे हारना है? बस हारने। और दूसरे गेम भी खेला करो ना, वो क्यों नहीं खेलने आती? ट्राई करूंगी सर। ट्राई करोगे? अभी हाँ कह रही हैं वो नेक्स्ट गेम ट्राई करेंगी, अगर उनके मयार पे पूरा उतरा तो खेलेंगी, ये कहना चाह रही हो? जी बिल्कुल। क्या बात है अभी तुम्हारी, ऐसे ही प्लेयर्स अगर हर टीम में होने लगे तो कैसे जीतेगी टीम? चलो खैर रेडी 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 गो।
चलो 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 जल्दी 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 चलो 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 चार हो गए। अरे हो जाएंगे चार, 30 सेकंड बाकी है, जल्दी जल्दी। चलो अरे 6 हो गए 6 हो गए जल्दी। अरे 7 हो गए टाइम आप। नहीं 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 8 स्कोर अभी तक किया हुआ। ओयो लारे तुम खेलने आ रहे हो, माइक में बोला करो, मुझे ना सुलाया करो। माइक दो से क्या कह रही है? मैं खेल रहा हूँ। मैं पक्की बात है, आओ जल्दी से रेडी। चलो आप लारे भाई जल्दी से पहन लो, जल्दी से पहन लो लारे, तुम इसे पूरे आ जाओगे। नजर भी नहीं है, पूरा छुप गया इसमें। ए ये देखिए आप ऊपर तक। क्या बोला तुमने है, क्या बोला? लारे कैंगरू लगेगा। और अब फैंस बुरा मान जाएंगे। रबीका ने बोला है कैंगरू, लेकिन आपने बोल दिया कैंगरू। कैंगरू क्यूट होता है, बहुत क्यूट होता है। तो दो तीन तुम्हारे घर भिजवाने, पाल लेना तुम कैंगरू। रेडियो क्या कह रहे हो तुम? ऐसे बता रही हूँ कि ये कर सकते हो। रेडियो रेडी रेडी गो। ये बात अरे वाह, नई टेक्निक है, नई टेक्निक है। छोटी छोटी जंप पे, छोटी छोटी जंप पे, छोटी छोटी जंप पे। अरे वाह, कमर पे जा रही थी बॉल। अरे वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। अरे वाह भाई वाह, नई टेक्निक है। वाह भाई वाह, बहुत आला बहुत आला। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ये एक अच्छी ट्राई थी, ये एक नया स्टाइल आया है। मसला ये है कि ये ऐसा लग रहा है कि मैं बॉल करा दूंगा। हट जाओ दानिश भाई। हाँ दानिश भाई, माज जब पहली बॉल लेके जा रहा था तो यहाँ तक ऐसे हाथ से पकड़ के लेके जा रहा था ना, तो हमारे और इसके स्कोर्स बराबर हो जाते हैं। आप बेशक रिप्ले चेक करें। कैसे पॉसिबल है ये? इसने आठ स्कोर किए, लेकिन जब पहले 8 स्कोर किया है और उसके बाद भी वापस पहुंचा है वहां तक, फिर भी तुम 7 स्कोर करके यहाँ तक पहुंचे, वो 8 स्कोर करके वहां दोबारा पहुंच गया। जब भी तुम लोग हारते हो तो तुम लोग रोते क्यों? मैं तुमसे ही एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ यार। उस वक्त भी एक चीज सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो तुम। उस वक्त भी जब बहस कर रहे थे कि ये विकेट पे लग गई थी, लगने दो। क्रिकेट का रूल है आउट उसी वक्त होता है जब बेल्स गिरती हैं। तुम मुझसे बातों में लगे हुए हो, तुम्हें जाके रन आउट करना चाहिए था, वो रन तुम्हारी गलती की वजह से बने। जब तक बेल्स नहीं गिरेंगी तो मैंने कोई नया रूल थोड़ी बनाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी उस वक्त भी तो तुम फौरन कहते दानिश भाई यहाँ पर, तुमने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। अब जब तुम हार गए हो तब तुम बोल रहे हो दानिश भाई अभी गेम खत्म हो गया इसलिए हम लोग। क्यों बेटे, उसी वक्त बोलो ना जब पहले आया था ना मास, सबसे पहले दानिश भाई हम लोग को, सिर्फ मैं आ रहा हूँ मुझे मसला नहीं है दानिश भाई। जब हम लोग आ जाते हैं देखो लाखों लोग वीडियोस भेज के रो रहे होते हैं इसलिए दानिश भाई बुरा लगता है। जो लोग मुझे भी वीडियोस भेज के रो रहे होते हैं ना, उनको कभी यहाँ भेज दो, मैं उनको समझा दूंगा। मैं कभी भी गलत नहीं हूँ। मेरी टीम जो है ना, देखो एक चीज है, मेरी टीम बैठी हुई है मेरे साथ। अगर वो मुझे बताएगी कि ऐसा हुआ है, वो जो तुम फ्लिप द बॉटल वाले करो ना, उसमें भी तुम हार गए थे, उसमें तुम हारे हो, बाकायदा हारे हो। तुमने एक नंबर के ऊपर बॉल फ्लिप किए, बॉटल वो जीरो पे आके रुकी है। मसला ये था कि तुमने
चेंज भी तो करना था, तुम तो वहां तक पहुंचे ही नहीं थे। जीरो हो गया तो और बॉटल आगे गिरी है। इसी तरह कल क्या हुआ, आमिर की किसी ने मुझे वीडियो भेजी हुई थी, याद रखो एक सेकंड बाकी था और आमिर ने वो रिलीज कर दिया है। अगर जीरो पे आके वहां गिर जाएगा तो काउंट कर लूंगा मैं। जीरो पे फेंकेगा आमिर या जीरो पे तुम फ्लिप करोगे वो काउंट नहीं होगा। दानिश भाई मैंने वन पे फ्लिप फेंका था, वो वन पे बिल्कुल रुका भी था। अगर रुक गया तुमने बॉटल चेंज की थी, तुम वहां तक पहुंचे थे टाइम अप से पहले। दानिश भाई मैं कह रहा हूँ फ्लिप होके गिर गई, तुमने बॉटल चेंज करनी थी, तुमने चेंज की थी नहीं की थी, तुम उस वक्त भी कह रहे। दानिश भाई हो गया, हो कैसे गया, वहां आमिर खेल रहा था, वो उमेर खेल रहा था, उमेर बॉटल खुद रख रहा था, कोई दूसरा बंदा नहीं था। तो ये सारी बातें मेरी टीम देख रही होती। देखो तुम में से कोई भी मेरा सगा तो है नहीं, या तुम में से कोई भी 10 लाख रुपए जीतेगा या बेल्ट जीतेगा मेरे घर तो जानी नहीं। मेरे लिए तुम चारों टीम्स बिल्कुल बराबर हो, तुम में से चारों में से चैंपियंस जीत जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्टाग्रामर जीत जाए, सारे सीजन जीत जाए मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम लोगों से पैसे थोड़ी मिलने हैं यार, इसलिए मैं तो कराऊंगा फेयर गेम। फिर भी तुम्हारे कितने भी फैंस हो, मुझे कितने भी मैसेज कर लें, मुझे जीरो फर्क पड़ता है। मैं गेम शो कराता हूँ अपनी मर्जी से और मेरी टीम मेरे साथ है। जहाँ गलती होगी वहां मैं बोलूंगा, जहाँ गलती नहीं है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कोई भी कितना भी बोलता रहे बिल्कुल जीरो फर्क पड़ता है। अगर हमारी गलती भी होती है उस टाइम हमें समझ नहीं लगता, मुझे उसी वक्त बोलो, तुम हारने के बाद ना बोलो। नहीं दानिश भाई अगर हमारी गलती भी होती है सर हम लोग इसलिए नहीं करते। बासित मैं तुम्हें मौका देता हूं, तुम मुझे बोलो क्यों सोचते हो, तुम यहां पर जीतने आए हो, सारी चीजें तुम्हारे पास है। अगर जीतने आए हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए मेहनत करना और जीतना, सारी चीजें सेकेंडरी हैं। जैसे सबसे कम फैंस हैं चैंपियंस के, सबसे कम वोटिंग आती है इनकी, लेकिन इनको ये पता है कि हमें 2 पॉइंट्स तो कभी मिलने ही नहीं है, इसलिए हम इतनी मेहनत कर लेते हैं यार कि वहां तक पहुंच के गेम चेंजर खेल जाएं। तुम तीनों में से किसी के पास भी 2 पॉइंट्स जा सकते हैं, लेकिन ये लोग खेलते हैं अपनी मेहनत की ब्याह पे। दानिश भाई यही कहना चाहूंगा। हाँ बोलो। हम रोज आते हैं लेकिन हमारे फैन फिर भी हमें अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं हमें आपको देख के खुशी होती है, बस यही काफी है, लेकिन हम इंशाल्लाह कमबैक करेंगे। अभी 2 पॉइंट से आगाज हो गया। देखो ये तो देखो तुम लोग लकी हो, मैं सच बता रहा हूँ, इस उम्र के अंदर तुम लोग के जो फैंस हैं माशाल्लाह तुम सब लोग लकी हो, वही सारी बातें ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे फैंस हैं ना वो तुम्हारे साथ इसलिए हैं कि तुम लोग पिछले सीजन में अच्छा खेले हो, वो तुम्हारे साथ इसलिए अच्छे नहीं है कि किसी की शक्ल ज़्यादा अच्छी है, कोई ड्रेसिंग अच्छी करके आता है या कोई कोई गेम खेल, जो गेम अच्छा खेलते। देखो जो लोग मुझे अब्दुल बासित की वीडियोस टैग करते हैं उसमें ज़्यादातर ने लिखा होता है कि ये बहुत अच्छा चक्कर पे चक्कर खेलता है, एंड दिस इज ट्रू, इससे अच्छा कोई भी नहीं खेलता। ये और दानिया दोनों चक्कर में चक्कर सबसे बेहतरीन खेलते हैं और मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल गेम यही है, ऐसा ही है। तो मैं ये चाहता हूँ तुम लोगों की तारीफ गेम्स में हो, तुम लोगों की तारीफ तुम्हारी पर्सनालिटी में ना हो, वो बाहर होती रहे यार, ये गेम शो है, यहाँ जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।